मॉर्निंग एवरीबडी, हाउ आर यू? कैसे हो? मजे में? चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब हम देख पा रहे हैं, चलो जल्दी जल्दी जुड़ते जाओ। जो लोग अभी तक नहीं आए हो आ जाओ, ऑनलाइन क्लास है, फटाफट जुड़ते चलो भाई। जो जहाँ है 11th 12th से मतलब नहीं है, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो वो जुड़ो। और कोई भी आदमी जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उसके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इन माय ओपिनियन दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश। जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उसके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी। उसके साथ कुछ मत करो, रहने दो, डोंट टच इट। हाँ अब देखो, अच्छा इन द लास्ट क्लास आई टॉट यू क्या बताए थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। नहीं, यू नो ऑल द वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू 8 parts और वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू 8 parts। जितने भी वर्ड्स हैं सभी वर्ड्स को कितने पार्ट में बांटा है? 8 parts में। उसे क्या कहेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। दे आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड दे आर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। होता है ना? अब इसको एक एक करके समझेंगे। देखना है बल्ब को जला दो, शैडो लग रहा है थोड़ा, इधर रहने दो, चमकता है। देखो नाउन, नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। नाउन क्या होता है कि नाउन, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, जिसे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो। मोटा मोटी इसी ऐसे समझ लो, इस क्वेश्चन लिखे अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ध्यान देना है, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मीन्स व्हिच वर्ड है सम नेम, जिसका कुछ भी नाम है वह क्या होगा? नाउन। याद रखना, चाहे वो आदमी का नाम हो या पजामा का नाम है, क्या हो गया? नाउन। बहुत लोग कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग। पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, थिंग का नाम हो, क्यों ऐसा कह सकते हो? सीधा समझ लो, नाउन मींस नेम, चाहे आदमी का नाम हो या पजामा का। फॉर एग्जाम्पल ट्राउजर्स, ट्राउजर्स का मीनिंग हुआ पजामा, नाम है ना। क्या यार ये क्या है? हेयर। इसका नाम क्या है? हेयर। ये क्या हुआ? हुआ कि नहीं? पेन। इसका नाम क्या है? पेन। ये क्या है? राइटिंग बोर्ड। ये क्या है? शर्ट। ये क्या हुआ? नाम हुआ कि नहीं? चेयर, विला। विला मीन्स हाउस, घर। हेमलेट, विला मीन्स घर। हेमलेट बहुत छोटा गांव, बहुत छोटा गांव, दिस इज कॉल्ड हेमलेट। तुम लोग जानते हो विलेज, विलेज भी होता है लेकिन हेमलेट होता है जो बहुत छोटे गांव का होता है। epistle, epistle का मीनिंग होता है बधाई पत्र, लेटर फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसे बोल बधाई पत्र। epistle नाम है ना कि नहीं? अब देखते हैं कि बंदर भी किसी का नाम है कि नहीं? मैन, किसी को मैन तो कहते हैं, किसी को गर्ल कहते हैं कि नहीं? बॉय भी तो कहते हैं। अच्छा मनी लिखे ना, अच्छा नीचे मंकी कर देते हैं,
मनीजर मंकी है कि नहीं? लव एप्पल, दिस इज कॉल्ड लव एप्पल। ये लव एप्पल क्या हुआ? लव एप्पल मीन्स टमाटर। आप लोग जानते हैं टोमेटो एक का बहुत इंग्लिश होता है। आई शैल टेल यू मेनी वर्ड फॉर वन वर्ड, एक वर्ड है जिसका आप लोग एक इंग्लिश जानते हैं उसका ढेर सारे वर्ड्स बताएंगे। अंडरस्टैंड? लव एप्पल मीन्स टोमेटो टमाटर। मिल्क दूध, ये तो पता है। चीज, चीज का मीन क्या होता है? पनीर। चीज मीन्स पनीर। ये क्या है? बोलते हैं राम। ये क्या है? नाम है। अच्छा, मान लो लिखते हैं भागलपुर। ये क्या है? नाम। इट मीन्स क्या संख्या? नाउन क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में समझो, नाउन मीन्स नेम। नाउन मीन्स नेम, चाहे वो किसी का भी नाम है वो सब नाउन है। ये क्या है? बिल्डिंग है, मकान है। ये क्या है? नाम है ना। ये पेन है, क्या है? नाम है ना, नाउन हो गया। इट मीन्स ये नहीं समझना है कि नाउन मीन्स जो प्लेस का बोध हो, थिंग का बोध हो, पर्सन का बोध हो, वही नाउन होगा। इस सब दिमाग से निकाल देना है। नाउन मीन्स नेम, नाउन मीन्स नेम, चाहे वो किसी भी चीज का नाम है वो क्या हो गया? नाउन। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है, सब क्या हुआ? नाउन। कंफ्यूजन नहीं रखना है। ओके, ये क्या है? चीक का नाम है ना। ये नोज नाम है कि नहीं? ये आई, आई है नाम है ना। ईयर क्या नाम है ना, क्या हुआ है? नाउन। और ना? मतलब क्या समझा? यदि कोई आपसे पूछे कि आपका नाउन क्या है, व्हाट्स योर नाउन, इट मीन्स व्हाट्स योर नेम। आपका नाउन क्या है, इसका मतलब वो आपका नाम क्या है, बिकॉज नाउन मीन्स नेम। आपको ये कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, उसके बदले ये पूछ दे आपका नाम क्या है। या बहुत लोग पूछते हैं शादी विवाह में, लोग जाते हैं बर्तवारी में, लड़की को या लड़के को बड़ा मजे से पूछते हैं, अच्छा आप किस संज्ञा से सुशोभित हैं? सिंपल सी बात है कि आपका संज्ञा क्या है, इट मीन्स आपका नाउन क्या है, इट मीन्स आपका नाम क्या है। सीधा नहीं पूछू, घुमा के चला सब कुछ। अंडरस्टैंड? मेरी समझ में आप लोगों को नाउन समझ में आ गई होगी। नाउन मीन्स नेम, चाहे वो किसी भी चीज का नाम हो, पर्सन का हो, प्लेस का, थिंग हो, इसलिए शॉर्ट में लिखते हैं। और नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड में जिसका कुछ भी नाम है वह क्या है? नाउन। इसका हिंदी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं ना, या किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, ट्राउजर्स। ट्राउजर्स का मीनिंग क्या हुआ? पायजामा, पायजामा। हेयर मीन्स हो गया बाल। अच्छा, हेयर है यहाँ तो दिखता है ना। अच्छा तो दिखता है तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, एक ही बताते हैं यहाँ पर। एक होता है एच ए आई आर, हेयर मीन्स बाल, ये तो सबको पता है। दूसरा एक होता है हियर, एच ई आर, हियर मीन्स यहाँ, यहीं तक। अच्छा, उसके बाद इधर लिख देते हैं। और एक होता है एच ई ए आर, हियर मीन्स सुनना। दूसरा होता है एच ई आई आर, इसको पढ़ा जाता है आई, एच ई आई आर को क्या पढ़ते हैं? हेयर ने आई, आई मीन्स उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। और उसके बाद यहाँ एक और लिख देते हैं, एक होता है हेयर, हेयर मीन्स खरा, खरा मीन्स खरगोश। ये वर्ड है, इसको अलग लिखना है या लिखना है इसमें लिखना हो साइड में या नीचे इसको घेर देना है ताकि ये पता इससे ये अलग है। हेयर मीन्स बाल, हियर मीन्स यहाँ, हियर मीन्स सुनना, आयर मीन्स उत्तराधिकारी, हेयर मीन्स खरा। ओके, अब देखना है पेन, शर्ट, चेयर, विला, विला मीन्स घर, हाउस, हेलमेट। एक होता है हेलमेट, जो मोटरसाइकिल जो बंद चलाते वो पहनते हैं, इसी कॉल हेलमेट। और ये है हेमलेट,
इपिस्टल, इपिस्टल मीन्स बधाई पत्र, मनी 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 पैसा, मुद्रा मुद्रा या पैसा, मैन आदमी, गर्ल लड़की बॉय लड़का, मंकी बंदर हो गया, लव एप्पल टमाटर, मिल्क चीज पनीर, राम आदमी का नाम हो गया, भागलपुर नाम हो गया, मतलब क्या समझा? नाउन मीन्स, नाउन मीन्स नेमिंग, अ नेमिंग वर्ड, जिसका कुछ भी नाम है दैट इज नाउन। ओके, एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड, यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एक्चुअली ऑफलाइन, ये अभी तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बस एक दो दिन ऑफलाइन भी पढ़ाई, ऑफलाइन की पढ़ाई होगी तो होगी, अभी जब तक ऑफलाइन नहीं हो पा रही है तब तक जो जहां है वहीं से ऑनलाइन पढ़िए। अंतर होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन में, यहाँ भी सब कुछ, ऑनलाइन में भी सब कुछ समझेंगे, लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, फेस टू फेस जब आईज कॉन्टेक्ट होता है तो अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाता है। अब देखना, अब प्रोनाउन ये वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के बदले आता है, किसके बदले आता है, नाउन के बदले आता है, इसके बदले, यानी जो वर्ड नाउन के बदले आता है दैट इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। और याद रहे, ढेर सारे न्यू वर्ड्स डेली मिलेगा। अब देखो, नेहा इज अ गर्ल, एंड सी इज डिलीजेंट। अब जरा ध्यान देना है, दिख रहा है ना, नेहा इज अ गर्ल, नेहा एक लड़की है, नेहा क्या है, लड़की है ना, लड़की नहीं है, नाउन है, लड़की लड़का से तुम्हें क्या मतलब, नाउन नेहा क्या है, ग्रामर पढ़ रहे हो अभी, जब ग्रामर पढ़ रहे हो तो यू हैव टू गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ग्रामर, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ग्रामर क्या कहता है, नेहा क्या है, लड़की है, नहीं, नेहा क्या है, नाउन है, नेहा इज अ गर्ल, नेहा एक लड़की है ना, मीनिंग हुआ ये, लेकिन नेहा क्या है, नाउन है। अब देखना, नेहा इज अ गर्ल एंड सी इज डिलीजेंट, मीनिंग बताएंगे डिलीजेंट का, कि नेहा इज अ गर्ल एंड सी इज डिलीजेंट, डिलीजेंट का मीनिंग क्या होगा, उधर मिटा देते हैं, और इसके लिए फिर कॉपी बनाना या कॉपी और या नहीं तो बार बार इसको वीडियो को देखते रहना है। एक मिनट, अब देखो एकदम अस्थाई समझो, नेहा इज अ गर्ल एंड सी इज डिलीजेंट, डिलीजेंट का मीनिंग क्या होता है, डिलीजेंट, डिलीजेंट का मीनिंग होता है क्या, डिलीजेंट इंडस्ट्रियस, नहीं पता, हार्ड वर्किंग, नहीं पता, लेबोरियस, लेबोरियस, डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, और भी कई वर्ड्स होता है,
इस सब का एक ही मीनिंग हुआ परिश्रमी या मेहनती। नहीं देखो, अब देखो नेहा इज ए गर्ल एंड सी इज डिलीजेंट। नेहा एक इंडस्ट्रियस लिखे ना, नेहा इज ए गर्ल एंड सी इज डिलीजेंट। नेहा एक लड़की है और वह क्या है, परिश्रमी है, मेहनती है। अब देखो नेहा एक लड़की है और वह मेहनती है, यहां सी किसके बदले है, नेहा के बदले। नेहा एक लड़की है और वह मेहनती है, वह परिश्रमी है। तो नेहा इज ए गर्ल, यहां सी किसके बदले है, वह परिश्रमी। कौन परिश्रमी है, नेहा क्या है, नाम, नाम है ना। और कोई भी नाम क्या होता है, नाउन, क्या होता है, नाउन, जो उसके बदले आता है प्रोनाउन। ये नेहा के बदले कौन है, सी। सी क्या हो गया, प्रोनाउन। यू आर अ हैंडसम बॉय, यू आर अ हैंडसम बॉय। तुम एक तेज लड़का हो ना, एक सुंदर लड़का हो। और लड़का यदि सुंदर है तो हैंडसम, लड़की सुंदर हो तो ब्यूटीफुल। अब यहां देखो यू आर अ हैंडसम बॉय, जिसको बोले कि तुम सुंदर लड़का हो, नाम हुआ, होगा ना। जब उसका कुछ नाम होगा, और कोई भी नाम क्या होता है, नाउन, और जो उसके बदले है वह क्या होता है, प्रोनाउन। यू किसके बदला, किसी ने किसी लड़का के बदला है, उसका भी कुछ नाम होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश एट प्रेजेंट, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश एट प्रेजेंट। अभी मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब यहां देखो, अभी मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। कौन, मैं का मतलब क्या हुआ, मैं, मेरा भी कुछ नाम हुआ कि नहीं हुआ, क्या बिना नाम एक नाम होगा ना। और क्या होता है, कोई भी नाम क्या होता है, नाउन, क्या होता है, नाउन, और जो उसके बदले आता है प्रोनाउन। ये आई किसके बदले आया है, मेरे नाम के बदले, यानी नाउन के बदले, या क्या हो गया, प्रोनाउन हुआ। वी आर प्लेइंग खो खो, खो खो एक खेल का नाम है। वी आर प्लेइंग खो खो, हम लोग खो खो खेल रहे हैं। जब कहते हैं हम लोग खो खो खेल रहे हैं, तो हम लोगों का सबका कुछ न कुछ नाम होगा, होगा ना। जब कहते हैं हम लोग खो खो खेल रहे हैं, जो लोग खो खो खेल रहे हैं, हम सबों का कुछ न कुछ तो नाम होगा, होगा ना। और कोई भी नाम क्या होता है, नाउन, कोई भी नाम क्या होता है, नाउन। जब नाउन होता है कोई भी नाम, और जो उसके बदले आता है प्रोनाउन। यह क्या, हम लोग खो खो खेल रहे हैं, हम लोगों का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ ना, नहीं लिखा हुआ। तो वी किसके बदले आया, हम लोगों के नाम के बदले, क्या जी है ना, या हम लोगों के नाम के बदले आया, इट मीन्स नाउन के बदले आया। और जो नाउन के बदले आता है उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन, क्या कहते हैं, प्रोनाउन। एकदम बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्यों, जो लोग इसको बेसिक समझ जाओगे, अरे कोई प्रॉब्लम होगा। नरेशन बॉयज डिग्री से में कुछ चीज है, ये कुछ नहीं है। और ये जो पढ़ा रहे हैं, ये बेस क्लियर हो जाएगा, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बच्चे किसी भी क्लास में चले जाएं, ये इंटरमीडिएट पास कर जाएं, ग्रेजुएशन कर जाएं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर जाएं, कोई अंतर नहीं पड़ता है यदि उसका बेसिक नॉलेज से नहीं। अब देखना है, दे वेयर लिविंग देयर, एक मिनट ध्यान देना है, दे वेयर लिविंग देयर, वे लोग वहां रह रहे थे। जब कहते हैं वे लोग वहां रह रहे थे, वे लोग वहां रह रहे थे, वे लोग करने से बहुत से आदमी का बोध होता है ना। जब बहुत से आदमी का बोध होता है, वहां सबका कुछ न कुछ नाम होगा, होगा ना। और कोई भी नाम क्या होता है, नाम क्या होता है,
नाउन जो उसके बदले है प्रोनाउन, या दे किसके बदले है, उन लोगों के नाम के बदले है, नाउन के बदले है, इसलिए क्या हो गया, क्या हो गया, एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रही है नहीं? ही हैज परचेज अ न्यू कार, ध्यान देना, ही हैज परचेज अ न्यू कार, परचेज मीन्स खरीदना, परचेज मीन्स खरीदना, तो ही हैज परचेज द न्यू कार, उसने एक नई कार खरीदा है, जब कहते उसने एक नई कार खरीदा है तो उसने ही, जिसको बोले उसने खरीदा है उसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा कि नहीं होगा, और कोई भी नाम क्या होता है, नाम ना, क्या जी बोलो, कोई भी नाम क्या होता है, नाउन, और यहाँ ही किसके बदले है, उसके बदले, उसका भी कुछ नाम होगा, इट मीन्स नाउन के बदले, और जो नाउन है ये बदले आता है वो क्या होता है, प्रोनाउन, क्या होता है, प्रोनाउन, एनी प्रॉब्लम, समझ में आए नाउन और प्रोनाउन, समझ में आए, अभी और समझने की जरूरत है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, एक वर्ड आया है वी, वी का मीनिंग क्या होता है, वी का मीनिंग हम लोग, वी मीन्स हम लोग, ये बचपन से सभी लोग जानते हैं, तो हमको वो नहीं पढ़ाना है, हमको वो पढ़ाना है जो आप बचपन से नहीं जानते, ज्यादा कुछ वी है ना, अच्छा थोड़ा सा इसमें बता दो, डब्ल्यू डबल ई, वी का मीनिंग क्या होता है, डब्ल्यू डबल ई, वी का मीनिंग, ये नहीं दिख रहा है, अच्छा नीचे लिखते हैं, डब्ल्यू डबल ई, वी मीन्स हम लोग, ये सबको पता है नहीं, आप उनको पता है, आप लोग इंग्लिश जानते हैं है ना, और हमको बताना है, और जब इंग्लिश जानते हैं तो बताना क्या है, थोड़ा सा बताना है, ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे है, लेकिन अब बताइए मीनिंग, वी मीन्स हम लोग, ये सभी को जानते हैं, हम ये कर दिए डब्ल्यू डबल ई कर दिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको बता देना है, क्लास स्टार्ट है, इसी क्लास के बच्चे हों सबको ही पढ़ सकते हैं, वी मीन्स हम लोग, और लेकिन डब्ल्यू डबल ई इसका मीनिंग होता है हर चीज, पता चला नहीं, नहीं पता चला, इसका मीनिंग होता है इन्फेंट, पता चला, और भी होता है नहीं, नहीं पता चला, अच्छा अब पता कर देते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, बेबी चाइल्ड, वी मीन्स अर्चिंग, अर्चिंग मीन्स इन्फेंट, इन्फेंट मीन्स बेबी, बेबी मीन्स चाइल्ड, सबका एक ही मीनिंग होता है, क्या, बच्चा, इतने नहीं होता है और भी ढेर सारा वर्ड्स होता है नहीं, क्या समझ में आ रहे हैं ना, तो हम क्या देख रहे हैं, एक इंग्लिश जिसको तुम जान रहे हो पहले से, उसका एक ने बहुत इंग्लिश होता है ना, अब देखो यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम है, नाउन समझ में आ गए, प्रोनाउन भी समझ में आ गए, एक मिनट, अब जब नाउन और प्रोनाउन समझ में आ गए, थोड़ा सा इसमें और समझना है, अब शुरू से चलते हैं, नाउन से, नाउन समझने में कोई दिक्कत नहीं, नाउन मीन्स नेम, वो किसी का भी नाम होगा, क्या होगा, नाउन, अच्छा एक चीज बताओ, इंग्लिश क्या है, बोलो, इंग्लिश, इंग्लिश भी तो नाम है ना, जब इंग्लिश नाम है, कोई भी नाम क्या होता है, नाउन, इट मीन्स इंग्लिश क्या बोलो, नाउन, इंग्लिश ग्रामर, यह भी तो नाम है ना, वाह, अच्छा पार्ट्स ऑफ स्पीच तक क्या, यह भी तो इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर का नाम है कि नहीं, सिर्फ नाम है ना, अच्छा ऑर्थोग्राफी, यह भी ग्रामर के चैप्टर का नाम है, इटिमोलॉजी, यह भी नाम है, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी है ना, नाम हुआ ना, अच्छा चलो, वॉइस, नरेशन, डिग्री, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस, प्रीपोजिशन,
कंजंक्शन सब क्या है, है एडजेक्टिव वर्ब क्या है, एडवर्ब प्रोनाउन नाउन या क्या है, ये भी नाउन है। इतनी दुनिया में जितनी भी चीजें जिसका सब जिसका कुछ नाम है वो क्या है, नाउन। अच्छा एक चीज बताओ, प्रोनाउन तब क्या है, अब ये बताना है यहाँ पर घेर देते हैं इसको। ये प्रोनाउन जो ये प्रोनाउन वर्ड है, प्रोनाउन है क्या, हाँ जो नाउन के बदले आता है वह प्रोनाउन, ये इसका डिफिनेशन है, ये इसका परिभाषा है। लेकिन प्रोनाउन तो अभी कौन चैप्टर पढ़ा रहे हैं बोलो, प्रोनाउन कौन चैप्टर है, प्रोनाउन। इस चैप्टर के क्या नाम है, प्रोनाउन। इस चैप्टर के क्या नाम है, प्रोनाउन। इसका मतलब प्रोनाउन भी तो नाम है, नाम है या नहीं है, नाम है ना। फिर से देखो इसको, अभी पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ा रहे ना। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन भी तो किसी का नाम है। देखो ये प्रोनाउन का परिभाषा, जैसे तुम्हें कहा जाए बताओ काउ का डिफरेंशियल बताओ, गाय का परिभाषा बताओ, बताओ चार पैर होते हैं, ये होता है वो होती है, ऐसे होता है उसे होता है, ये सब उसका परिभाषा हो। लेकिन काउ क्या है, काउ भी तो किसी चीज का नाम है, नाम है कोई जानवर का नाम, एनिमल का नाम, नाम है ना, वो क्या हुआ, नाम हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन भी तो किसी चीज का नाम है। अभी हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं प्रोनाउन, इस चैप्टर का नाम है यानी नाम है। और कोई भी नाम क्या होता है, नाउन, कोई भी नाम क्या होता है, नाउन। तो प्रोनाउन क्या हुआ, क्या हुआ प्रोनाउन, प्रोनाउन भी तो नाउन हो गया, क्योंकि यह भी तो एक चैप्टर का नाम है, समझना है इसको। प्रोनाउन का परिभाषा क्या है, वो हो गया जो नाउन के बदले। लेकिन प्रोनाउन वर्ड दुनिया में जितना भी वर्ड्स है सभी वर्ड्स को 8 पार्ट में बटा है, उसे कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके अलावे वर्ड्स होता ही नहीं है, और उसमें से यदि पूछा जाए कि प्रोनाउन कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन भी एक चैप्टर का नाम है। इसलिए प्रोनाउन इज अ नाउन, प्रोनाउन भी नाउन है। आप पूछेंगे अच्छा नाउन तब क्या है, नाउन क्या है, नाउन भी तो नाउन है। इट मीन्स नाउन इज इटसेल्फ अ नाउन, नाउन इज इटसेल्फ अ नाउन, नाउन खुद भी एक नाउन है। अंडरस्टैंड, यहां तक ये समझ में आ रही है। अब अच्छा जरा देखिए बताओ कैसे समझेंगे, तुम हम पूछते हैं अच्छा जी बताओ प्रोनाउन क्या है, कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है या क्या है, कहोगे नाउन, कहोगे गलत है, कौन कहां पर है, ऐसा नहीं होता है। आज तक कहां पर है किसी बुक में, तुम्हारे पास कोई आंसर है, कैन यू गिव द आंसर दिस क्वेश्चन, या तुम लोग यदि समझ गए प्रोनाउन नाउन है, मुझे समझ में, बताओ कैसे हो। अब कहोगे नहीं प्रोनाउन तो नाउन, प्रोनाउन तो किसी चैप्टर का नाम है, कोई भी चीज का नाम नाउन होता है, हमको समझ नहीं आती। लिखा हुआ दिखाओगे कहीं किसी बुक में, बचपन से पढ़ा आज तक कहीं लिखा हुआ देखा कि प्रोनाउन नाउन है, नहीं ना देखा। जब नहीं देखा कि कैसे कह सकते हो कि यहाँ जो बताए हैं प्रोनाउन नाउन ये सही, क्या बोलो लगता है ना। तब देखो बताते हैं, डिक्शनरी तुम लोग देखा होगा, डिक्शनरी में वर्ड्स जितना भी रहता है सभी वर्ड्स के पास बगल में लिखा रहता है, मान लिया बुक लिखा होगा बगल में देखना लिखा रहेगा एम, यानी बुक वर्ड क्या है, नाउन है। गुड लिखा हुआ है रहेगा लिखा हुआ ए, इसका मतलब गुड वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है ना। इसी तरह नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक और चिन्ह बगल वहां पर शॉर्ट में लिखा रहता है, ताकि ये समझो ये वर्ड क्या है। तो डिक्शनरी उलटना सब कोई, और पी आर ओ एन ओ यू एन प्रोनाउन जहां लिखा हुआ है उसको देखना, और देखना बगल में एन लिखा रहेगा, जहां नाउन लिखा हुआ है बगल में देखना एन रहेगा लिखा हुआ। इसका मतलब प्रोनाउन जो वर्ड है, यानी प्रोनाउन कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, नाउन। कैसे हुआ बता दी, क्योंकि यह किसी चीज का नाम है, कोई चैप्टर का नाम है, और कहां कैसे मानेंगे, किसी बुक में नहीं देखे हुए, कोई बात नहीं, डिक्शनरी को उल्टो, अब प्रोनाउन वर्ड निकालो, वहां देखना ये नाम क्या है, नाउन लिखा रहेगा काउ, बगल में देखना एंड रहेगा, इसका मतलब काउ वर्ड क्या है, नाउन। अंडरस्टैंड, यहां तक समझ में कोई प्रॉब्लम, इसको क्या करना है, सबको नोट तो करते ही जाना है, और इससे रिलेटेड जितना भी वर्ड्स आया है वर्ड्स सब याद होना चाहिए।
और एक वर्ड यहाँ पर और है परचेज, PURCHASE, परचेज का मीनिंग होता है बाय, खरीदना। और एक और होता है बाय BY, दूसरा होता है BYE होता है बाय, नहीं गुड बाय ये बोलते हैं हम लोग। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? और ये जितना वर्ड्स यहाँ है ये है ये सब याद होंगे। और इसके पहले भी नाउन में ढेर सारे वर्ड्स है, न्यू वर्ड्स है तुम्हों के लिए, जो न्यू वर्ड्स है आप लोगों के लिए उसको याद कर लेना है। ओके, मेरी समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अभी जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो भाई वो मैसेज करो तो अभी फटाक से बता दो ये क्लास समझ में आ रही है या नहीं, जल्दी से। क्या जी भाई लोग बोलो, समझ में आ रही है ना फटाफट? चलो फटाफट। ये सर रिया रोज, वो इज रिया रोज, कहाँ से हो रिया रोज? राइट नेम ऑफ योर विलेज? ओके वेरी नाइस। बिल्कुल मतलब, चलो कोई बात नहीं। देखो एक्चुअली हम देख पा रहे हैं मोबाइल में ही देख रहे हैं कि कौन क्या कमेंट भेज रहे हो, किसको समझ में आ रही है। और मेरी समझ में सबको समझ में आ रही होगी, जिसे नहीं आ रही हो अच्छे तो अच्छा ठीक, वो अच्छी तरह से पढ़ लेना, एनी प्रॉब्लम। सो इन माय ओपिनियन, एक मिनट अब देखना है, अब थोड़ा सा समझना है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन एंड ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट्स ऑफ 11th। इट मीन्स यू आर जस्ट गोइंग टू अटेंड योर कॉलेज क्लासेस ऑफ योर कॉलेज। अब ये देखना है, सो इन सच ए केस इट इज वेरी वेरी नेसेसरी टू हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दिस सब्जेक्ट्स, व्हाटएवर आई एम गोइंग टू टीच यू और आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, ये सब जितना भी पढ़ा चुके हैं, फॉर एग्जांपल पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड बिफोर पार्ट्स ऑफ स्पीच आई सेड आल्सो आई आल्सो टॉट यू सो मेनी थिंग्स एंड हियर यू कैन सी इन नाउन आई एक्सप्लेन इट, आई आल्सो एक्सप्लेन प्रोनाउन। तो जब नाउन और प्रोनाउन बताए, इसके पहले ही बताए, ढेर सारा चीज ऐसा मिला होगा कि जो बचपन से नहीं पढ़ा होगा। ओके, अब इसमें देखना और क्या है, इसे आगे बताएंगे फिर इन डिटेल पढ़ेंगे। ओके एनी प्रॉब्लम? और इसमें सब कोई क्या करना है, पढ़ लेना है और उसके बाद इसको कॉपी भी करना है। एंड आई सबमिट यू नेक्स्ट डे, इट मीन्स टुमारो। ओके बाय।